नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग आरएस अग्रवाल अंकगणित का एक नया चैप्टर घातांक एवं करणी, जिसको इंग्लिश में सर्ड्स एंड इंडिसेस बोलते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का यह फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में भी इसका यूज होता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग घातांक देखेंगे, घातांक क्या होता है और करणी क्या होती है। ठीक है, तो घातांक और करणी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं घातांक और करणी को। तो घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या पर पावर लिखना। ठीक है, किसी भी संख्या पर क्या करना, पावर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, उसको घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग a पर पावर b लिख दे तो बोलते हैं कि a को b का घात। ठीक है, a को किस रूप में लिख दिए, b के घात के रूप में लिख दिए, इसको बोलते हैं घात b। और b जो है इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। घातांक मतलब होता है कि सर्ड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं घातांक, और a को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो a का घातांक b है, यानी बेस का घातांक जो है सो b है। ठीक है, अब इसको हम लोग करणी के रूप में लिखेंगे। तो करणी के रूप में लिखेंगे तो जैसे अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट में लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि ये करणी के रूप में है। ठीक है, और यहां पर अगर कुछ नहीं छुपा हुआ है, यहां पर अगर n है यहां पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 बाय n। ठीक है, समझ में आया घातांक क्या होता है। जो घात के रूप में लिखते हैं उसको घातांक बोलते हैं, और जो अंडर रूट के रूप में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, करणी के रूप में बोलते हैं। जैसे कि और इसके पीछे जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। ठीक है, जैसे n करणी का 2, n करणी 2, इसको क्या बोलेंगे, n करणी 2। ठीक है, अब हम लोग करणी को घातांक में कैसे बदलेंगे और घातांक को करणी में कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, जैसे अगर 3 करणी 4 हो, ठीक है, ये करणी है 3 करणी 4 हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1 बट्टा 4। ये हो गया घातांक के रूप में और ये हो गया करणी के रूप में। कोई भी संख्या अगर करणी के रूप में है, अगर वो पावर पर आता है, तो 1 बट्टा वो संख्या हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ इसका बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग घातांक का रूल देखेंगे, घातांक यानी सर्ड्स का रूल देखते हैं, इंडिसेस का रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, इंडिसेस का रूल देखते हैं। ठीक है, जैसे घातांक हो गया मतलब घात वाला देखना है, पावर वाला देखना है। तो यदि a पर पावर m हो, ठीक है, कोई संख्या a है उस पर पावर m है, यानी a का घातांक m है, और कोई संख्या a हो उसका पावर n हो, और दोनों गुना में हो, दोनों का बेस क्या है, बराबर है, ए है इसका भी बेस ए है, और पावर अलग अलग है, गुना में हो, अगर बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है कि घातांक जो है, पावर जो है सो जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया अगर बेस बराबर हो तो। ठीक है, अब 2 नंबर में है, 1 नंबर हो गया, समझ में आया कि गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। और दूसरा नंबर है, जैसे ए पर पावर एम हो, भाग में हो, ए पर पावर एन हो, ठीक है, तो क्या होगा, पावर घट जाएगा, एवर पावर m माइनस n हो जाएगा। गुना में है तो पावर जुड़ता है, और भाग में आ जाएगा तो पावर घट जाता है। 3 नंबर में है, यदि a पर पावर m फिर उस पर पावर n हो, तो इसका मतलब हो गया कि a पर पावर m गुना n कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ वाला हो गया, घटाव वाला हो गया, गुना वाला भी हो गया। अब एक और ले लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे एक संख्या हो गई a, एक संख्या है b, दोनों पर पावर यदि n हो, तो इसका मतलब हो गया कि a पर पावर n अलग से हो सकता है और b पर पावर n अलग से हो सकता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। 5 नंबर में है कि यदि a बट्टा b पर पावर n हो, इसका मतलब हो गया कि a पर पावर अलग से n और b पर पावर भी अलग से n होता है। और लास्ट में एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि a पर पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कभी भी कोई भी संख्या पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। जैसे इसको अगर हम लोग
देखेंगे अगर कोई एग्जाम्पल लेकर के कि यदि दो गुना दो गुना दो, अब इसको पावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो पावर एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक, कुछ नहीं है तो पावर एक है। अब बेस तीनों का सेम है, दो दो दो, अब दो पावर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक प्लस एक, क्योंकि गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है, तो दो पावर कितना तीन हो जाएगा ये, ठीक है। दो गुना दो, दो पावर कितना तीन। उसी तरीके से यदि दो पर पावर दो बट्टा दो क्या होता है, एक होता है। कैसे एक होता है वो मैं दिखाता हूं अभी आपको। जैसे दो पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, नीचे दो पर कुछ नहीं है तो एक है। अब भाग में क्या होता है पावर घटता है, यानी दो पर पावर एक माइनस एक होगा, यानी दो पर पावर कितना जीरो होगा। अब किसी भी पावर संख्या किसी भी संख्या पावर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो समझ में आया, ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये दो पर पावर दो का स्क्वायर फिर पावर स्क्वायर, तो दो पर पावर इसको फोर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, दो पर पावर फोर का वैल्यू कितना होता है सोलह, और दो स्क्वायर का वैल्यू चार, उसका स्क्वायर कितना होता है सोलह, दोनों बराबर हो रहा है, यानी दो पर पावर टू को फिर पावर टू को पावर चार लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं कि तीन गुना दो पर पावर अगर स्क्वायर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर गुना दो का स्क्वायर, अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर यही बट्टा में आ जाए, तीन बट्टा दो पर पावर स्क्वायर हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तीन का स्क्वायर ऊपर और दो का स्क्वायर नीचे बट्टा में लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया। अब हम लोग करनी का रूल देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग करनी का रूल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे करनी का रूल है तो इसका एक नंबर में क्या लिख लेते हैं, एक नंबर में हम लोग देखते हैं कि n का करनी है a, ठीक है, n करनी a है, तो इस पर पावर अगर n करते हैं इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा। जैसे n करनी a को क्या लिख सकते हैं, n करनी a को a पर पावर एक बट्टा n लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ रहता है वो क्या होता है बट्टा में आ जाता है इधर पावर में, और एक n पहले से है, एक n, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर एक बट्टा n गुना n, n n कटेगा यानी a। तो n करनी जो करनी में है वही पावर में भी है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो बेस के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे क्या है कि n करनी ए बी है, ठीक है। अगर n करनी ए बी है तो n करनी a अलग हो जाएगा इंटू n करनी b अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी रूल है इसका कि अगर a b एक साथ हो, जो पावर का रूल था लगभग लगभग सेम जो है, सो इसका भी रूल है, ए और बी दोनों गुना में है, दोनों में अलग अलग करनी हो जाएगा। पावर में क्या होता था कि दोनों में अलग अलग पावर हो जाता था, ठीक है। अब तीन नंबर में है कि यदि ए बट्टा बी करनी हो एन, तो इसको भी ऊपर में एन अलग कर देंगे और नीचे में एन करनी बी अलग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि यदि चार नंबर में देख लेते हैं कि चार नंबर में क्या है कि एन करनी ए पर पावर कितना है एम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि n करनी a पर पावर m है तो इसको लिख सकते हैं n करनी a पर पावर अंदर में भी m कर सकते हैं, ठीक है। इस पर पावर अंदर भी, ये तो पूरा का पावर था, अब क्या है कि इसके अंदर में भी पावर कर सकते हैं, दोनों बराबर होगा। और एक और है, पांच नंबर में है कि एक और करनी है, और ठीक है, और एक और करनी है n, अब है a अगर, तो ये करनी दोनों क्या है गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे m n करनी a, ठीक दोस्तों, जैसे पावर में क्या होता था a पर पावर m है और फिर पावर n है, तो क्या होता था a पर पावर m n हो जाता था, गुना में होता था। उसी तरह इसे इसमें भी है कि m और n दो करनी है, दोनों करनी क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन में यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तीन बट्टा पांच पर पावर तीन हो और गुना में है तीन बट्टा पांच पर पावर माइनस छ और बराबर है तीन बट्टा पांच पर पावर कितना टू एक्स माइनस वन के, ठीक है। यानी इसका भी बेस और इसका भी बेस, दोनों का बेस बराबर है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी तीन बट्टा पांच पर पावर क्या हो जाएगा तीन और प्लस माइनस माइनस छ, ठीक है, जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और बराबर हो जाएगा तीन बट्टा पांच पर पावर कितना टू एक्स माइनस वन। और एक और रूल होता है दोस्तों कि यदि
एक्स टू दी पावर एम बराबर है एक्स टू दी पावर एन का, और दोनों का बेस यदि बराबर है तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो यहां पर दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो पावर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तीन में से माइनस छह, तीन में से छह जाएगा तो माइनस तीन होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है। ठीक है, और बराबर हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। यहां से क्या निकाल सकते हैं, टू एक्स इक्वल टू माइनस टू, यानी x इक्वल टू कितना, तो दो कटेगा तो x इक्वल टू माइनस वन आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों c नंबर सही हो गया, x बराबर माइनस वन। कैसे हुआ, तो बता दिया मैंने दोस्तों कि दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ेगा, पावर जुड़ा तो हो गया पावर माइनस तीन इसका। ठीक है, और इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर पहले से इतना है, और दोनों अगर बराबर के इस पार उस पार दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इससे यहां से x का वैल्यू आ गया कितना, माइनस वन। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंटू थ्री पर पावर थ्री, दो नंबर क्वेश्चन में है कि 2 इंटू थ्री पर पावर थ्री भागा 2 इंटू नाइन पर पावर कितना, 4 इंटू नाइन पर पावर कितना, 2 गुना 27 इंटू आठ पर पावर कितना, 2 बराबर 6 पर पावर कितना पूछ रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3 का क्यू भागा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 2 गुना 3 का स्क्वायर, पहले से एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पहले से हो जाएगा, गुना 3 गुना 2 का क्यूब हो गया ना, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, यानी दोनों का होल क्यूब, और पहले से एक स्क्वायर है बराबर 6। ठीक है, अब 2 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब 6 का क्यूब भागा 2 गुना 3, यानी 2 दुना, ये 2 दुना 4 हो जाएगा गुना करेंगे तो 6 पर पावर 4 गुना 6 पर पावर 3 गुना 6 बराबर 6। अब क्या है कि पहले भाग का क्रिया होता है, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग का क्रिया होता है, तो यहाँ पर 6 पर पावर 3 भागा 6 पर पावर 4 है, तो दोनों का बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, भाग पावर घट जाएगा, यानी हो जाएगा 6 पर पावर माइनस वन, 4 में से 3 में से 4 गया तो माइनस वन, गुना 6 पर पावर 6 बराबर 6 पर पावर क्या, एक्स, एक्स मान लेते हैं, पावर एक्स सब जगह। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब दोनों का बेस बराबर है और गुना में पावर जुड़ेगा, 6 में से 1 गया तो 5, तो 6 पावर 5 बराबर 6 पावर x, दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। तीन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 पर पावर x प्लस 1 कितना है, 8 पर पावर x प्लस 1 है, बराबर कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 8 पावर x प्लस 1 है बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, और दोस्तों x पावर m बराबर x पावर n है, यदि बेस बराबर है तो पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी m बराबर n होना चाहिए, यानी ये दोनों का बेस बराबर है तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 1 बराबर 2 होना चाहिए, यानी x बराबर कितना, इधर आके घट जाएगा तो दो में से एक जाएगा तो एक होगा, तो x बराबर कितना हो गया, एक हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, 3 पर पावर 2x प्लस 1 का, और x का वैल्यू 1 आया है तो यहां पर लगा देंगे 3 पर पावर 2 गुना 1 प्लस 1, यानी 3 पर पावर 2 प्लस 1 3, यानी 3 का क्यू कितना होता है, 81, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, चार नंबर क्वेश्चन में है कि 23 पर पावर 2.8, चार नंबर में क्या है, 23 पर पावर 2.8 इंटू 23 पर पावर कितना 7.2 इंटू 23 पर पावर कितना 3.6 बराबर 23 पर पावर, मान लेते हैं पूछ क्या रहा है, पावर क्या होगा वो पूछ रहा है, तो मान लेते हैं एक्स पावर। ठीक है, अब तीनों का बेस बराबर है तो पावर तीनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अगर 2.8 में 7.2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 3.6 जोड़ेंगे तो 13.6 होगा, यानी 23 पर पावर 13.6 बराबर 23 पर पावर x, अब दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर 13.6। ठीक है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब हम लोग पांच नंबर देखते हैं, पांच नंबर में क्या है, पांच नंबर में है कि 21 पर पावर मान लेते हैं x है, गुना पूछ रहा है तो x मान लेते हैं, गुना 21 पर पावर 6.5 बराबर 21 पर पावर कितना 12.4। ठीक है, अब ये दोनों पावर जुड़ेगा, दोनों का बेस बराबर है, तो यानी x प्लस 21 पर पावर कितना जाएगा, x प्लस 6.5 इक्वल टू 21 पर पावर कितना 12.4, दोनों का बेस बराबर है, पावर बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस 6.5 इक्वल टू 12.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12.4 में से 6.5 जाएगा कितना हो जाएगा 9, और 11 में से 6 गया 5, यानी 5.9, 12.4 6.5 इसमें से घटेगा, 5 में 4 गया 1, ओहो नहीं नहीं 4 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9, अब ये बच गया 1, 1 में 11 में 6 गया 5, 5.9, तो 5.9 होगा दोस्तों, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छह नंबर में क्या है कि 34 पावर 56 गुना 34 पावर -53, छह नंबर में क्या है 34 पावर 56 गुना 34 पावर -53 बराबर क्या होगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 34 पावर 56 में से 34, अब 34 पर दोनों का बेस बराबर है तो पावर जुड़ेगा, यानी 56 -53 हो जाएगा 34 पर पावर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 56 में से 53 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 34 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 34 पावर 3 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 34 का क्यू करके आप लोग देख लेना। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, सात नंबर में, सात नंबर का आप लोग खुद बनाना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आठ नंबर क्वेश्चन भी आप लोग खुद बनाएंगे, यहाँ पर पावर एक्स मान लेंगे, ठीक है, और दोनों पावर जुड़ जाएगा, दोनों पावर जुड़ने के बाद इस पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू जो आएगा वही इसका आंसर होगा। उसी तरीके से मैं 9 आपको बता देता हूँ। ठीक है, 9 नंबर में है कि 4 पर पावर 2.3 गुना 2 to the power 2.3 इंटू 8 पर पावर 1.7 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको 2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस पर पावर है 2.3 गुना 2 का, तो ये 2 ही रहेगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यू, क्यू पर पावर कितना है 1.7 बराबर क्या होगा। अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 गुना 46 4.6, 2 पर पावर 4.6 गुना ये हो जाएगा 2 पर पावर 2.3, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2 पर पावर 17 51 यानी 5.1। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे अगर तो क्या होता है 3 1 4 6 4 10 10 और 6 2 8 4 12 यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 12। 2 पर पावर 12 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 2 4 2 8, 2 पर पावर 12 मतलब कितना हो गया 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 2 10 24, 10 24 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 2048 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4096। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन 4096 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर भी दोस्तों सेम है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 के पावर में चेंज करना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो आप लोग 2 के पावर में चेंज करके यहाँ पर पावर x मान लेंगे और इधर पावर सब जुड़ जाएगा और वो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहां से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आरएस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।